सत श्री अकाल देश दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीता लैके हाजिर हाँ देश विदेश दी अहम सरगर्मियां शुरुआत करते हैं पहली खबर के नाल। अमरीका के वणज विभाग ने चीन दिया उच्च तकनीकी खेतर दिया 36 कंपनियां निर्यात कंट्रोल करने वाली ब्लैकलिस्ट के विच पा दिता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अमरीकी हितों और मनुखी अधिकारों को लैके चिंता कारण यह कदम चुकया गया है। इन्हों कंपनियों के हवाबाजी उपकरण रसायनिक कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। किसी कंपनी को व्यापारक इकाई सूची के शामिल करने का मतलब है कि उन्होंने नाल व्यापार करने वाली किसी भी अमरीकी कंपनी के निर्यात लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि चीन की फौज को अति आधुनिक कंप्यूटर चिप्स हाइपरसोनिक हथियारों वर्गिया तकनीक हासिल करने तो रोकने के लिए यह पाबंदियां लगाई गई ने। जिन्हों कंपनियों से पाबंदी लगाई गई है उन्हों की सूची शुक्रवार को प्रकाशित हुई है। अटलांटा में भारतीय मूल की अमरीकी नागरिक मीनल पटेल को मेडिकेयर सेहत बीमा प्रोग्राम में धोखाधड़ी करके जेनेटिक जांच के 44.75 करोड़ डॉलर के घोटाले के दोषी ठहराया गया। संघी वकीलों ने दसिया कि लैब सोल्यूशन LLC की मालक पटेल ने मरीजों के ब्रोकर टेलीमेडिसन कंपनियां और कॉल सेंटर नाल साजिश रच के मेडिकेयर बीमा के लाभपात्रियों को फोन करके झूठ बोलिया कि वह अपने बीमा तहत कैंसर की महंगी जेनेटिक जांच करवा सकते हैं। न्याय विभाग ने दसिया है कि जो मेडिकेयर के लाभपात्री जांच कराने के लिए सहमत हो जाते तो पटेल टैली मेडिसिन कंपनियों तो जांच की मंजूरी देने वाले डॉक्टर के दस्तखत वाले परचे हासिल करने के लिए मरीजों के ब्रोकर को रिश्वत देंदे सी। फ्लोरिडा दे विच एक संघी अदालत ने पटेल को सेहत संभाल धोखाधड़ी अमरीका के नाल धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रचन सेहत संभाल संबंधी रिश्वत लैन ते देन ते मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचन के दोषों में दोषी ठहराया गया। एक मीडिया बयान मुताबिक पटेल को 7 मार्च 2023 को सजा सुनाई जाएगी ते उस नूं वध तो वध 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से शुक्रवार को सवेर तो ही एक अजीब तरह का बग देखने को मिल रहा है। यूजर्स ने शिकायत की है कि वह फेसबुक के लॉगिन नहीं कर पा रहे, नाल ही ऐप खोलन ते यूजर्स नू कम्यूनिटी गाइडलाइनस का उल्लंघन करन दा मैसेज भी दस रहा है। दोबारा लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। दस दईए कि इस तो पहला भी फेसबुक के एक बग कारण रातों रात लोगों के लखां करोड़ों फॉलोअर्स गायब हो गए सन। बग की इस हनेरी दे विच मेटा दे सीईओ मार्क ज़करबर्ग भी नहीं बच सके सन। बग कारण ज़करबर्ग ने दे फॉलोअर्स सिर्फ 9993 ही बचे सन। अजे तक यह साफ नहीं हो सकया कि फेसबुक दे विच यह ग्लिच किसी बग कारण आ रहा है जां फिर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी दे विच कोई नवी अपडेट की है। उत्थे फेसबुक दे वल्लों भी इस ग्लिच नूं लैके कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह ग्लिच फेसबुक ऐप दे नाल नाल वैबसाइट ते भी वेखण नूं मिल रहा है। दस दईए कि शुक्रवार सवेर तक सिर्फ मोबाइल ते ही इस तरह की समस्या देखने मिल रही थी। यूजर्स का कहना है कि फेसबुक से इस बग कारण लॉगिन करन दे अकाउंट वार वार OTP मांग रहा है, नाल ही अकाउंट लॉग आउट भी हो रहा है। उत्थे लॉगिन करन तो बाद भी यूजर्स नू रिफ्रेश पेज उते अपने आप लॉग आउट वर्गी समस्या का सामना करना पै रहा है। छुट्टियां दे सीजन दौरान वड्डी गिणती दे विच लोक आस्ट्रेलिया दी यात्रा ते हन। इस दौरान देश दे प्रमुख हवाई अड्डियां तों यात्रा करन वाले आस्ट्रेलियाई लोकां नूं लंबे समय दी उडीक करन ते संभावित देरी दी उम्मीद करन दी चेतावनी दित्ती गई है। समाचार एजेंसी शिनहुआ दी रिपोर्ट अनुसार स्थानक मीडिया रिपोर्टां दे अनुसार शुक्रवार नूं कुछ हवाई अड्डियां ते सुरक्षा कतारां लंबियां होणियां शुरू हो गईआं ते कुछ लोक अपनियां उडानां तों खुंझ गए। पिछले हफ्ते जारी कीते गए एक बयान दे विच सिडनी हवाई अड्डे दे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोफ कलबर्ट ने कहा कि हवाई अड्डा 2019 तो बाद सब तो व्यस्त छुट्टियां दी म्याद दी उम्मीद कर रहा है, जिस विच 12 दिसंबर तो 1 जनवरी 2023 तक करीब 2 करोड़ तो वध लोग टर्मिनलों तो लंघणगे। कलबर्ट ने कहा कि यात्रियों को घरेलू उड़ानों के लिए रवानगी तो 2 घंटे पहला ते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3 घंटे पहला पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि संभावी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टाफ अजे घट है। चीन के वधदे विश्वव्यापी दबदबे नू मापण दे लई एक नवे अध्ययन दे विच सामने आया है कि पाकिस्तान दुनिया दे विच चीन तो सब तो वध प्रभावित देश है। रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी ने रिपोर्ट दे दित्ती है कि ताइवान आधारित खोज संस्था
डबल थिंक लैब्स द्वारा 8 दिसंबर नूं दोबारा लॉन्च किए गए डेटाबेस चाइना इंडेक्स ने पाकिस्तान नूं दुनिया के 82 होर देशों दे विच सूची दे विच सिखर ते रख्या है। उन्होंने कहा कि विदेशी अते घरेलू नीति टेक्नोलॉजी अते अर्थव्यवस्था के संबंध में इस दे संबंध अते चीन ते निर्भरता इस नूं चीनी प्रभाव के लिए विशेष रूप दे विच संवेदनशील बनाती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग अते हाजीरा दे विच शुक्रवार नूं बंगलादेश दे स्वतंत्रता संग्राम नूं चिन्हित करन दे लई प्रदर्शन किए गए, जिस कारण पूर्वी पाकिस्तान एक नवा राष्ट्र राज बन गया। प्रदर्शनकारियों ने उस समय दे पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति की तुलना पंजाबी पाकिस्तानी शासन अधीन पीओके की मौजूदा स्थिति दे नाल कीती है। इस्लामाबाद तो हक्की आजादी के नवे सदे नाल इस्लामाबाद विरुद्ध नारे लाए गए। यह पहली बार सी जदों 16 दिसंबर नूं पीओके दे विच इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया सी। 50 साल पहला यह दिन दूजे विश्व युद्ध तो बाद सब तो वड्डा फौजी आत्म समर्पण का दिन सी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौजा अगे हथियार सुट दिते सन। नतीजे वजो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान तो मुक्त हो गया। भारत दे विच हर साल 16 दिसंबर नूं विजय दिवस वजो इस नूं मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाल अज गल कीती ते मुड़ कहा कि यूक्रेन ते रूस विचाले विवाद के हल का इकलौता उपाय गलबात ते कूटनीति है। प्रधानमंत्री दफ्तर अनुसार टेलीफोन ते हुई गलबात दे विच दोवां नेतावां ने एससीओ शिखर सम्मेलन दे नाल नाल समरकंद दे विच अपनी बैठक तो बाद ऊर्जा दे खेतर दे विच सहयोग, व्यापार ते निवेश, रक्षा ते सुरक्षा सहयोग ते होर प्रमुख खेतरां दे नाल नाल दो पक्षी संबंधां दे कई पहलुआं दी समीक्षा कीती। मोदी ने यूक्रेन दे विच चल रहे संघर्ष दे संबंध विच गलबात ते कूटनीति ने दे अपने सदे नूं दोहराया ते कहा कि विवादां दे हल दा इही इकलौता उपाय है। रूस दे दूतकार अनुसार पुतिन ने मोदी दी अपील ते यूक्रेन रूस जंग बारे अपने अंदाजे अते विचार नूं सांझा कीता। दोवां नेतावां ने एक दूजे दे संपर्क दे विच रहण ते सहमति जताई। दिल्ली विच गड्डी चलाउणा हुण होर वी मुश्किल हो गया है। सीएनजी दी कीमत 89.56 रुपए प्रति किलो हो गई है। यह नवीं कीमत 17 दिसंबर 2022 नूं सवेरे 6 बजे तो लागू होणगियां। इस वार सीएनजी दी कीमत दे विच 95 पैसे प्रति किलो दा वाधा होया। पिछली बार 8 अक्तूबर नूं दिल्ली दे विच सीएनजी दीआं कीमतां दे विच 3 रुपए प्रति किलो दा वाधा कीता गया सी। इस कारण दिल्ली विच सीएनजी दी कीमत 78.61 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई सी। इसे तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा ते गाजियाबाद विच सीएनजी दीआं कीमतां वधा के 81.17 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम दे विच 86.94 रुपए प्रति किलो, रेवाड़ी दे विच 89.07 रुपए प्रति किलो हो गईआं ने। फिलहाल दे लई इन्ना ही, फिर तो लैके हाजिर होवांगे देश विदेश दीआं होर ताज़ा खबरां। तद तक दे लई मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।